पंजाब के लिए सुलह का जो फॉर्मूला तय हुआ है उसके हिसाब से कैप्टन अमरिंदर मुख्यमंत्री बने रहेंगे और चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सिद्धू पार्टी की कमान संभालेंगे, लेकिन इस फॉर्मूले से दोनों के बीच सुलह होती हुई नहीं दिख रही। पंजाब कांग्रेस के दो सरदार दोनों ही असरदार, मगर इनके बीच की तकरार है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सिद्धू दरबार साहिब से लेकर विधायकों के दर पर उन्हें मनाने जा रहे हैं, लेकिन पंजाब के कैप्टन से बात तो छोड़िए, उन्होंने मुलाकात तक नहीं की। सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बने हुए 4 दिन हो गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सिद्धू को बधाई तक नहीं दी है। कैप्टन अड़े हैं कि सिद्धू पहले उनके खिलाफ दिए बयानों के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। सीएम के मीडिया सलाहकार ने कैप्टन का रुख साफ कर दिया है। सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर से मुलाकात का वक्त मांगा है, ऐसी खबरें गलत हैं। सीएम के रुख में कोई बदलाव नहीं है। सीएम तब तक सिद्धू से नहीं मिलेंगे जब तक सिद्धू उन पर निजी हमलों के लिए माफी नहीं मांगती। दूसरी तरफ सिद्धू समर्थक कह रहे हैं कि सिद्धू भला माफी क्यों मांगे, आला कमान का फैसला उनके आरोपों पर मुहर है। अमृतसर में सिद्धू के घर नाश्ते पर पहुंचे कांग्रेस विधायकों को सुन लीजिए। नहीं, बिल्कुल माफी केस काम दी। माफी मेरे कहने का मतलब पब्लिक इशू नहीं है। मैं तो फिर इतों तक भी कहा कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं, क्योंकि असीं इशूज नहीं सॉल्व किए, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं पंजाब दे लोकां कोलों माफी मंगनी चाहिए। दरअसल सिद्धू और कैप्टन के बीच तकरार की आग को दोनों तरफ से हवा दी जा रही है। सिद्धू को जब पंजाब कांग्रेस की कमान सौंपी गई तो उन्होंने सोनिया, राहुल और प्रियंका को तो बधाई दी, लेकिन कैप्टन को भूल गए। जवाब में कैप्टन ने भी बधाई नहीं दी। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान ने दोनों सरदारों के बीच सुलह का जो फॉर्मूला निकाला वो फेल होता दिख रहा है। अमरिंदर को भवन में बैठे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वो सिद्धू ही नहीं कांग्रेस हाईकमान से भी नाराज है। इसकी एक नहीं कई वजह है। कैप्टन अमरिंदर के विरोध के बावजूद सिद्धू को पंजाब का अध्यक्ष बनाया गया। सिद्धू जब भी दिल्ली आए कांग्रेस के बड़े नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका से उनकी मुलाकात हुई। दूसरी तरफ कैप्टन को हर बार इंतजार कराया गया, फिर भी कांग्रेस हाईकमान उनसे नहीं मिला। कैप्टन अमरिंदर को 3 सदस्यीय कमेटी के आगे पेश होना पड़ा। अब उनकी माफी की शर्त पर भी आला कमान चुप है। वैसे कैप्टन पहली बार पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने पर मुंह फुलाए नहीं बैठे। प्रताप सिंह बाजवा को भी कमान सौंपे जाने पर उन्होंने विरोध किया था। फिर 2-3 दिन बाद कैप्टन और बाजवा साथ साथ डिनर कर रहे थे। प्रताप सिंह बाजवा पंजाब कांग्रेस के प्रधान बन लगे सी, तां इन्हां ने एक चिट्ठी लिखी सी सोनिया गांधी जी नूं, ते उहदे विच इन्हां ने पता नहीं की लिखिया सी। ते हुण 2-3 दिन होए आ दोनों लीडर डिनर करके गए आ, मैं चंगी गल आ। प्रगट सिंह कैप्टन का बड़ा दिल दिखाने की अपील कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस आला कमान का फैसला कैप्टन के पर कतरने के संकेत दे रहा है। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह यहाँ 79 साल के हो चुके हैं, वहीं नवजोत सिंह सिद्धू 57 साल के हैं और कांग्रेस के लिए लंबी पारी खेल सकते हैं। वहीं सूत्रों की माने तो आला कमान को लगने लगा था कि अमरिंदर का कद कुछ ज्यादा बड़ा हो गया है, ऐसे में उनके पर कतरने के लिए सिद्धू को प्रदेश की कमान सौंपी गई। कांग्रेस के आला नेताओं का सिद्धू से बार बार मुलाकात करना जबकि कैप्टन से दूरी बनाए रखना इसी की ओर संकेत देता है। मगर अब बड़ा सवाल यही है कि कैप्टन को नाराज करके अकेले सिद्धू के दम पर कांग्रेस 2022 की वैतरणी क्या पार कर पाएगी। लिहाजा कोशिश यही होगी कि सिद्धू और कैप्टन के बीच जल्द सब कुछ ठीक हो जाए, जो फिलहाल होता नहीं दिख रहा। अमृतसर से मंजीत सहगल के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक। पंजाब में सिद्धू और